चलिए एडोब फोटोशॉप चैप्टर चल रहा है हमारा, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, चलिए क्या चल रहा है फोटोशॉप। व्हाट इज फोटोशॉप, क्या होता है फोटोशॉप? Adobe Photoshop CS6 is a powerful editing application software. It is used for editing image, photos, graphics as well as videos. Photoshop allows us to create effect and style by using various tools. It also helps to create 3D icons. Okay? किस लिए यूज हो रहा है? ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? So अगर हम इसकी स्टार्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सबसे पहले हम क्या ऊपर किस जो हमारा टास्क बार कहाँ होता है? आपकी विंडो के, आपके डेस्कटॉप, आपके स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में शो होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम, एंड ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडोब। एडोब का क्या कौन सा पार्ट है? फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। ओके, सो फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेन्यू बार, टाइटल बार, ऑप्शन बार, कंट्रोल पैनल, लेयर पैनल, एडजस्टमेंट पैनल। अब हमने बात की थी टूल बॉक्स की। दिस पिक्चर शो ऑल द टूल्स दैट कैन बी यूज फॉर एडिटिंग इमेज। व्हेन यू क्लिक ऑन द डबल एरो प्रेजेंट एट द टॉप, द टूल बॉक्स स्विचेस बैक एंड फॉरवर्ड फ्रॉम अ सिंगल कॉलम टू अ डबल कॉलम। अब जब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जितने भी हमारे टूल्स की शॉर्टकट्स होती हैं वो आपकी टूल बार में, जब आप अपने माउस का पॉइंटर वहाँ पर रखेंगे तो टूल बार में क्या होगा, टूल बार में उनकी शॉर्टकट्स ओपन हो जाएंगी। तो शॉर्टकट्स जो है आपकी फोटोशॉप में सिंगल ही होती है, क्योंकि कोई भी लेटर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। सो जब आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो जो आपका टूल बॉक्स है वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जो है टूल शो होता है, ठीक है? जब आप अपने माउस पॉइंटर को उसको उस पर जो है प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके छोड़ेंगे तो उसके चार चार जो है ऑप्शन आपको शो हो जाए, मतलब वो हाइड होते हैं, ठीक है? सो जैसे हमारे पास टूल है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, लैसो टूल, क्रॉप टूल, ठीक है? ऑल द टूल्स प्रेजेंट इन फोटोशॉप कैन नॉट बी अकोमोडेट बाय जस्ट वन बार, सो सम ऑफ दीज टूल्स रिमाइन हिडन। You can use the small triangle at the bottom right corner of the tool to see the head tools. To open the hidden tool, click and hold on this triangle. You can see the list as shown in the figure. Okay? फिर हमने बात की थी कलर पैनल की। जो हमारा कलर पैनल होता है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपकी जो है कलर्स प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। कलर्स प्रॉपर्टी ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में कलर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो टू टाइप्स की होती है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ओके, जो फोरग्राउंड आपका कलर होता है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड डिफॉल्ट में कलर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। फिर हमने बात करी थी कि जो आपका फोटोशॉप है, फोटोशॉप में जो कलर मोड होता है वो होता है RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। ओके, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड क्रिप्टो। ओके, सो ये आपके क्या है, कलर के मोड होते हैं फोटोशॉप में। तो कलर्स कौन से हो गए आपके, ब्लैक एंड वाइट कलर हो गए, एंड प्रॉपर्टी कितनी हो गई, टू प्रॉपर्टी हो गई, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम दोनों को जो है आपस में हम क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स की। जब आप कीबोर्ड से एक्स की का यूज़ करोगे, सिंगल जो एक्स की है, एक्स अल्फाबेट है उसका आप यूज़ करोगे तो आपकी जो कलर सेल्फ की प्रॉपर्टी अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगी। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है? सो ये ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है? दिस इज द फोरग्राउंड कलर दैट कैन बी फिल्ड इन द इमेज, यानी कि फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। द बॉटम बॉक्स शो द बैकग्राउंड कलर, जो बॉटम होता है वो बैकग्राउंड शो होता है। स्लाइड कैन बी यूज
फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है आप उसमें जो वैल्यू है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं एंड उसकी वैल्यू डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि आरजीबी जो कलर है रेड ग्रीन ब्लू, आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है या रखना है, आप उसके हिसाब से जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। टू कलर मोड डेट कैन बी यूज बाय आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू मोड एंड सी एम वाई केस, सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक मोड। ओके, इन विच केस स्टैंड फॉर ब्लैक K is used to avoid confusion between blue and black. Opening a file in Photoshop. To open an existing file in Photoshop, follow the steps given here. अब हम क्या करें? अगर हमें open करनी है file, तो open file करने के लिए हम simply हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं file menu में जाते हैं and वहाँ पे open का option आ जाता है। But अगर हमें shortcut लेना है, तो open के लिए हम क्या करेंगे? Control plus O. यानी कि ओपन फाइल, ये है न्यू, सेव, प्रिंट, ओपन करना है। सेव कर सकते हो, एग्जिट करना है तो फोटोशॉप में ठीक है, एग्जिट के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज होता है, अदरवाइज हम एग्जिट कैसे करते हैं? ऑल्ट प्लस F4 की हेल्प से ठीक है। तो ओपन अ फाइल इन फोटोशॉप, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, कंट्रोल प्लस ओ कीज कैन ऑल्सो बी प्रेस्ड ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, टाइप द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन ओपन। ओके, सो आप ओपन कर सकते हैं इजीली। ओपन करना है तो आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए, कौन सी फाइल आपको ओपन करना है। ओपन एंड न्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखो, अगर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है इसमें की वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, बट आपको कोई एग्जाइटिंग फाइल है जो आपने ऑलरेडी बना रखी है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। ओके, सो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप, फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू, द न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर द फाइल नेम, यू कैन ऑल्सो मैंशन द वेट, हाइट एंड रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम फोटोशॉप में अपनी जो फाइल है न्यू लेते हैं तो न्यू लेने के बाद एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाता है, जिसमें क्या क्या होता है। मान लो आपको न्यू फाइल लेनी है, तो न्यू फाइल लेने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, न्यू फाइल है कोई, तो न्यू फाइल के लिए आएगा नेम, फिर आती है प्रीसेट, ठीक है, इसमें आता है वेट, फिर आता है हाइट, इस तरीके से रेजोल्यूशन, ठीक है, कलर मोड, बैकग्राउंड,
कैसे करना है, जब आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो तो कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाती है। आप जो अपनी फाइल को नाम देना चाहते हो एज यू विश, डिपेंड ऑन यूजर, ठीक है, जो यूजर चाहता है वो ही जो है अपनी फाइल का नाम दे सकता है। प्रीसेट में क्या होता है, प्रीसेट का मतलब होता है या तो आपको अपनी जो लेयर है वो क्लिपबोर्ड में लेनी है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, हाइट और विड्थ 700x800, ये भी क्या होता है, डिपेंड ऑन वर्क होता है। या तो आपको व्हाइट लेयर चाहिए या आपको ट्रांसपेरेंट जो लेयर है वो चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, आपको जो आप न्यू फाइल करोगे तो आपको ये सारी जो है ऑप्शंस जो है वो ध्यान रखने हैं, हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी, रेजोल्यूशन जो है पिक्सल्स, रेजोल्यूशन क्या होता है, ब्राइटनेस पर आधारित होता है, जितने उसके पिक्सल्स होंगे उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी यानी कि रेजोल्यूशन उसका ज़्यादा होगा। कलर मोड हमेशा RGB ही रहता है, ओके, नेम जो आप चाहें यूज़र के ऊपर डिपेंड होता है, प्रीसेट क्लिपबोर्ड, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको जो है लेयर्स के प्रीसेट्स मिल जाएंगे, ओके, हाइट विड्थ पिक्सल्स रेजोल्यूशन कलर मोड RGB बैकग्राउंड कंटेंट, आपको अपनी लेयर का बैकग्राउंड वाइट लेना है या ट्रांसपेरेंट लेना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। फोटोशॉप, ओके, क्या बात करेंगे, टूल्स इन फोटोशॉप, टूल्स करेंगे, टूल्स पे जो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, क्या है रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर टूल, ओके, सो यू नो दैट द रेक्टेंगल टूल कैन बी यूज फॉर ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, सम अदर ऑप्शन डिस्प्लेड बाय ऑप्शन बार फॉर द रेक्टेंगल टूल आर एस, कैसे, अब हम रेक्टेंगल जो टूल है उसकी प्रॉपर्टी जब ओपन होती है तो हम फिल कर सकते हैं, उसमें स्ट्रोक डाल सकते हैं, पैटर्न डाल सकते हैं, फिल स्ट्रोक पैटर्न सेट शेप स्ट्रोक,
स्ट्रॉन्ग वे। ठीक है, नाइन्थ क्लास समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब हम जो है अपना रेक्टेंगुलर जो टूल हो, रेक्टेंगुलर जो टूल होता है, जब इसको ओपन करोगे ना आप, तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। तो प्रॉपर्टी जब ओपन होती है तो फिल्म में हम क्या करते हैं, फिल्म में तो हम उसको कलर डाल देते हैं कि हमें क्या कलर चाहिए। ओके, शेप जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें आपको रेक्टेंगुलर से हटकर भी और जो है शेप्स प्रोवाइड हो जाएंगी, यानी कि फिर हम स्ट्रोक डालेंगे उस पर। अब स्ट्रोक हमने डाला है तो सेट शेप स्ट्रोक की जो विड्थ है, यानी कि आपको 6.11 लेनी है, 7, ठीक है, जो आप चाहें वो शेप ले सकते हो। ओके,